अब आप देखिए दिन में क्या कर रहे हैं हम, 24 घंटे, कितने दिन है हफ्ते में सर? 7, कितने घंटे हो गए टोटल? 168। अब 168 घंटे आपके रिसोर्स में शामिल है। अब सोचिए आप क्या क्या करते हैं। तो एक लिस्ट बनाने का वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन जरूर बनाइएगा घर जाके, जब सर का जब वर्कशॉप लेक्चर खत्म होगा, ये भी बड़ी आपको मदद मिलेगी इनसे कि वो क्या क्या करने वाले हैं। एक लिस्ट बनाइए, थ्राइव, क्या चीज आपको ग्लोरियस बना रही है। रोजाना शैम्पू करना ग्लोरियस बना रहा है आपको, रोजाना नए कपड़े पहनना आपको ग्लोरियस बना रहा है, मैचिंग वेस्ट कोट सलवार कमीज ग्लोरियस बना रहा है, और फिर सर्वाइव की एक लिस्ट बनाइए। नेसेसिटीज क्या है, वेस्ट कोट का रंग नहीं मिलता है तो ना मिले, लेकिन जब आप कहते हैं परेशानी मुझे इस बात से कि लोग क्या कहेंगे कि इसको पता नहीं, तो फिर पहनिए, ठीक है जी, फिर पहनिए आप इसको वेस्ट कोट को मैचिंग। लेकिन टीवी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं टीवी में? तू चोर मैं चोर यही देख रहे हैं, तो मत देखिए टीवी, घंटे बचा ली, तफसीर पढ़ ली, फिलोसफी पढ़ ली, ठीक है। अब 168 घंटे का आप हिसाब किताब रखिए, 8 घंटे सोना, 2 घंटे कम्यूटिंग घर से लेकर दफ्तर लेके घर, 2 घंटे या 3 घंटे, कितने दिन? 5 दिन, सैटरडे छोड़ दीजिए। ये सब बनाते बनाते आप देखेंगे 7-8 घंटे आपका बचे हुए, करते क्या हैं उसका, रोटे लगाते हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, बच्चों से खेल रहे हैं। एक चीज़ और इसमें आपको पता चलेगा कि इतना टाइम हमने इसमें बर्बाद किया, और देखिए कि 2-4 घंटे जो बच रहे हैं वो और कोई किसे खींच के 5 घंटे कर सकते हैं। और जहाँ जो जो कर रहे हैं उसको भी देखिए, पक्का सीरियसली लिखिए, नमाज में कितने टाइम लगाते हैं आप, नमाज नहीं पढ़ना, अच्छा तो 2 घंटे ये बचा लिया आप, दफ्तर आपका बहुत करीब है घर से, 2 घंटे नहीं लगते, 1 घंटा लगता, चलिए 1 घंटा और बच गया, ठीक है। अब उस घंटे में वो तो कीजिए जो आपका हक है, दीन पे अमल करना हमारा हक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं।